दोस्तों आज की इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और लाजवाब होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्रिप्टोन। दोस्तों आप लोगों को एक एडवर्टाइज देखने को मिल रही होगी सोशल मीडिया के ऊपर, यानी क्रिप्टोन नाम का कोई मार्केट में फ़ोन आया है और एक वेबसाइट भी सर्व कर रही है कि बोल रही है कि दावा कर रही है कि हम 4,000-5,000 में आप लोगों को अच्छे से अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन देने वाले। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वेबसाइट का खुलासा करने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या जेन्युइन में ये वेबसाइट एक रियल वेबसाइट है या कोई फ्रॉड होने वाला है या कोई धोखाधड़ी हो रही है वहाँ पर। तो इससे रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाला है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखना है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों आपको फिर से दोबारा एक बार बोल रहा हूं कि आपको वीडियो स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखना है विदाउट स्किप के। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पवार और आप देख रहे हैं टुडेज नॉलेज डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो दोस्तों जिससे कि आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हो और आज मैं आप लोगों को ये जो एड्स चल रही है इसके रिगार्डिंग बात करने वाले। तो दोस्तों आप लोगों को हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी सोशल साइट है जहाँ पे भी आप लोगों को एड्स दिखती है वहाँ पे आप लोगों को क्रिप्टोन K5 Note ऐसा समथिंग कोई तो एड्स दिख रहा है एक अलग अलग मोबाइल के, जो क्रिप्टोन नामक कंपनी है ऐसा दावा करे कि क्रिप्टोन नामक कंपनी है उनका ये स्मार्टफोन है। तो दोस्तों आप देख लो यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि 4,499 रुपये में आपको 8 GB RAM का और 128 GB ROM का जो स्मार्टफोन है आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि इतना बढ़िया फ़ोन आप लोगों को इतने सस्ते दाम में मिल सकता है? तो चलिए हम इस वेबसाइट के ऊपर जाके इसका सहनी से यानी इसको चेक करते हैं कि क्या रियल में मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो शॉप नाउ वाला ऑप्शन है, मैं इसे क्लिक करूँगा। क्लिक करके मैं सीधा इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाऊंगा जो इसका easyphone.com समथिंग कोई तो डोमेन है, इसके ऊपर चला जाएगा, एक वेबसाइट है उसके ऊपर। तो दोस्तों आप देख सकते हो एक ऐसी वेबसाइट है easyphone.com नामक, इसको मैं डेस्कटॉप साइट में कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसे देखते हुए आपको एक अंदाज़ा तो नज़र आ गया होगा कि भाई इस टाइप के प्लेटफॉर्म को हमने पहले देखा है। तो दोस्तों पहले एक ऐसी सेम कंपनी थी जो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा धोखा करके भाग गई और ये सेम उसी टाइप के थीम से उसी टाइप की ये है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे जो मोबाइल फ़ोन से उनका दावा किया जा रहा है, सिर्फ यहाँ पे उनका नाम लिखा गया है। यहाँ पे अलग अलग ब्रांड के मोबाइल है, जैसे कि सैमसंग होगा, MI हो गए, ओप्पो होगा, ऐसे मोबाइल है, आप एक बार चेक करके देख सकते हो। और ये इन्होंने क्या किया, अपनी थीम के ऊपर इनका पिक ले लिया और यहाँ पे उन्होंने अपना पूरा जो सेम टू सेम उस मोबाइल का नाम है और यहाँ पे क्रिप्टोन P30 जैसे कि C70, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फ़ोन से ये उनके जो रियल कंपनी है उनके नाम से नहीं है। ओके, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूँ, ये क्रिप्टोन K5 ये ग्रीन, ये क्रिप्टोन K5 नहीं है, ये मोबाइल तो कोई अलग ही है। ओके, जो ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जैसे सैमसंग हो गया, सैमसंग हो गया, ओप्पो हो गया, उसी के साथ साथ MI के हो गए, ऐसे बहुत सारे फ़ोन्स है उनको लेके इन लोगों ने अपने डिस्प्ले पे चिपका दिया है। मैं आप लोगों को इनडायरेक्टली बोलूँ तो ये फ़ोन पूरा कॉपी किया गया है फ्लिपकार्ट से। ओके, तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि यार वैसे ही एक थीम आप लोगों को दिया गया है, तो सारे फ़ोन फ्लिपकार्ट हो गए या कोई भी ई कॉमर्स साइट से कॉपी किया गया। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका जो यहाँ पे कुछ लिंक्स दिए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो easyphone.com, यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स है, हम देखते हैं एक आध लिंक्स ओपन होता है क्या। तो दोस्तों यहाँ पे इन लिंक्स को क्लिक ही नहीं हो रहा है। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे एक भी लिंक को क्लिक नहीं हो रहा है जो अबाउट स्टोर के बारे में दिया जा रहा है। ओके, तो चलिए अभी हम कंपनी के बारे में चेक करते हैं, अबाउट अस, करियर्स, ओके, साइट मैप, डिस्क्लेमर। तो चलिए अबाउट अस में हम क्लिक करते हैं, तो अबाउट अस को क्लिक हो चुका है, तो देखते हैं यहाँ पे अभी हमें क्या मिलने वाला है। दोस्तों मैं आप लोगों को इनडायरेक्टली बोलूँगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके रिगार्डिंग वीडियोस भी बनाए होंगे तो वो बोल रहे कि शायद ये फेक है, शायद ये, मैं डेफिनेटली आपको बोलूँगा ये फेक साइट है। क्यों, इतने सस्ते में कवड़ियों के भाव में आपको मोबाइल, सेकंड हैंड मोबाइल भी ऐसे इतने प्राइस में आप लोगों को इन इतनी स्पेसिफिकेशन के साथ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अबाउट अस में इन्होंने कुछ तो लिखा है कि
वी लव टू शॉप वगैरह, वो कंपनी नेम easyphones.com, इट्स टूडे टाइम यूथ वॉन्ट टू लुक लग्जरियस एंड कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद देयर लुक्स एंड वट एवर. ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा गया है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ ऐसा कुछ नहीं है. ओके, और यहाँ पे आप लोगों को खतरा क्या क्या हो सकता है मैं आगे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पे खतरा क्या क्या होता है. तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, अबाउट अस हो गया, हम कॉन्टैक्ट अस की बात करते हैं पहले. ओके, क्योंकि कॉन्टैक्ट अस में जितने भी ई कॉमर्स साइट होते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और ईमेल आईडी, ये दो चीज़ होती है. तो देखते हैं इसका हमें कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी मिलता है क्या, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है या मार्च या फरवरी में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है. ओके, तो आप लोग सोच सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में आप लोगों को सिर्फ एक इजी फोन सदर बाजार कोई तो कॉलोनी है आगरा उत्तर प्रदेश. ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये इसका खटक रही है कि यहाँ पे ये इंडिया का एड्रेस दिखाई दे रहा है और इस वेबसाइट के आईपी अलग अलग यानी अदर कंट्रीज़ के, जैसे कि कैलिफोर्निया हो गया, और ये रजिस्टर भी जो मोबाइल नंबर से रजिस्टर हुआ है वो भी आई थिंक कैलिफोर्निया अधिकार है. मे बी इसमें आप लोग इसमें ये सोच सकते हो कि जो मोबाइल नंबर्स होते हैं जो जनरेट होते हैं, जो टेम्प्रेरी मोबाइल नंबर्स जनरेट करने वाले एप्लीकेशन होते हैं, मे बी ये उसके थ्रू रजिस्टर किया गया होगा, या फिर ये वहाँ के ही बंदे ने क्रिएट किया होगा. एक तो एक इंडियन बंदा होगा जो कोई मल्टीपल वीपीएन यूज़ करके इस चीज़ को कर रहा होगा, अदरवाइज वो इन चीज़ों का यूज़ करके ये कर, यानी ये इंडिया का बंदा होगा तो कोई वीपीएन यूज़ करके ये चीज़ें कर रहा होगा. जो सैंपल आप लोगों को बता दूं, क्या जो टेम्प्रेरी मोबाइल नंबर जनरेट्स होते हैं जो यूएस यूके के जो हम यूज़ करते हैं, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, जिससे यूएस यूके जो जिस भी कंट्री का हमें मोबाइल नंबर टेम्प्रेरी जनरेट करना है या चाहिए यूज़ करने के लिए, तो मिल जाते हैं आसानी से. शायद ये उन नंबर में से एक नंबर को यूज़ करके किया गया होगा. ओके, क्योंकि ये जो ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया नहीं है, तो आप सोच सकते हो जहाँ पे आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं दिया गया है तो आप उससे क्या करोगे. तो यहाँ पे आप रिफंड पॉलिसी के ऊपर क्लिक करोगे तो ये बोलते हैं कि 7 दिन के अंदर आप रिफंड कर सकते हो. लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, जब आप यहाँ से प्रोडक्ट बाय कर लेते हो या ऑर्डर दे देते हो, तो वहाँ से आपका ऑर्डर कैंसिल भी नहीं हो सकता. ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए आपको इनके कस्टमर केयर की जो वेबसाइट है, जो ईमेल आईडी है, उस पर आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ता है. ये जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो आप लोगों को यहाँ पर किसी भी यहाँ पर ई कॉमर्स साइट पर देखने को नहीं मिलती. तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, कुल मिला के यदि इससे आप लोगों को कोई प्रोडक्ट आ भी जाता है, तो कैसे प्रोडक्ट आएगा मैं आप लोगों को बता दूँ. ये कचरे का भाव का जो मोबाइल रहेगा वैसे ही मोबाइल्स आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा फैसिलिटी हो, क्योंकि रिटर्न्स पॉलिसी दिया गया लेकिन रिटर्न्स नहीं कर सकते आप, इतना इसमें ये बनाया गया. जैसे दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरे 2-4 दोस्तों ने मुझे ये बोला था कि आप लोगों को क्या, आपको क्या करना है. मुझे मेरे 2-4 दोस्तों ने पूछा था कि भाई एक ऐसे एड्स चल रही है कि उस पर अच्छे अच्छे मोबाइल फ़ोन 5,000 के अंदर में मिल रहा है, तो क्या हम परचेस कर ले क्या. वो बोल रहे थे कि भाई तू इंटरनेट में बहुत ज़्यादा ये करता रहता है, वो कुछ भी सर्च करता है, कुछ भी रिसर्च करता है, तो मे बी आप मुझे अच्छे गाइड कर सकते हो. अच्छा हुआ कि उन्होंने डायरेक्ट परचेस नहीं किया, उन्होंने मुझसे कंसर्न कर लिया. मैंने उसको बताया भाई इतने सस्ते में स्मार्टफोन मिल रहा है, मीन्स आप सोचो कि यार देखो आजकल लोगों का एक टेंडेंसी हो गई है कि सस्ते में कुछ भी दिखाना तो परचेस कर लो. इसलिए तो चाइना आज हम पे हावी पड़ गया है. ओके, यानी चाइना हम पे ये ऐसे नहीं कि जैसे कि हमारे सोल्जर्स को ये हुआ, उनके सोल्जर्स ये वो नहीं, लेकिन उनके प्रोडक्ट हम पे हावी हो गए, यानी हमें आदत से लगे उनकी प्रोडक्ट यूज़ करने की, यानी हम उनके प्रोडक्ट यूज़ किए बिना रह नहीं सके, ऐसे हम दिखा रहे हैं. लेकिन क्या पता, आई डोंट नो कि हम लोग ये कर सकते हैं क्या. तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार इस वेबसाइट को ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या होता है. क्योंकि दोस्तों चाइनीज़ प्रोडक्ट को हम जैसे यूज़ करें, क्रिप्टोन नाम ही ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जो चाइनीज़ है और इंडिया में आके बहुत ज़्यादा ये होता है. दोस्तों मैंने सिम के ऊपर बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, मैंने खुद बनाए, ऐसे नहीं बोल रहा कि नहीं बनाए, और उनके ऊपर आप लोगों को चाइनीज़ ही प्रोडक्ट देखने को मिलता है, तो उसके रिगार्डिंग मैं काम कर रहा हूँ. यदि मुझे ऐसे कोई प्रोडक्ट दिखते हैं तो मैं काम नहीं करूँगा,
मैं उन प्रोडक्ट के खिलाफ रिगार्डिंग वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे मेरा देश प्यारा है। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक प्रोडक्ट हम ऑर्डर करके देखते हैं कि जैसा कि देखिए आप ये इसे मैं क्लिक कर दिया। दोस्तों हर दिन ये बता रहा है कि सेल है, हर दिन सेल कहाँ पर रहता है भाई। यहाँ पर अभी देखिए आप लोगों को यहाँ पर एक टाइमर दिखेगा कि ऑफर एंड्स। ओके मैं इसे थोड़ा डेस्कटॉप वर्जन में कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ऑफर्स एंड दिखा रहा है, यानी आप जैसे क्लिक करोगे ना आपको यहाँ पे ऑफर्स एंड दिखेगा, यानी 24 घंटा 25 घंटा ये टाइमर वैसे ही चलेगा, ये जिंदगी भर बंद नहीं होगा ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखो इसमें एक और गौर करने वाली चीज़ है, गेट 18% एडिशनल डिस्काउंट बाई पेइंग पेटीएम। यदि आप पेटीएम से यूज़ कर रहे हो तो और आपको 18% डिस्काउंट मिलेगा, यानी आप लोग सोचो कि कितने में देने वाला है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे हम बाय नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा, मैं सीधा आप लोगों को ये प्रोडक्ट बाय करके दिखाता हूँ, मैं बाय नहीं करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोगों को एक ईमेल आईडी मोबाइल नंबर, जैसा कि मैं एक मोबाइल नंबर डालूँगा, ईमेल आईडी xyz@gmail.com, नेम कुछ भी मैं यहाँ पे ये डाल दूँगा, तो दोस्तों आप कुछ भी ये करके यहाँ पे कंटिन्यू विथ पेमेंट मेथड पे क्लिक करोगे तो ये बोल रहा है कि यार एड्रेस आपने गलत डाला है, कोई बात नहीं। ओके तो दोस्तों यहाँ पे हम स्टेट भी सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं महाराष्ट्र सिलेक्ट करूँगा क्योंकि दोस्तों मैं महाराष्ट्र से ही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर सिटी, दोस्तों हमारा जो मोटो है हम वो कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये जो फर्स्ट पेज था जो एड्रेस वाला उसको मैंने तो क्लिक कर दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो पेमेंट वाया क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यूपीआई आईडी। ओके यानी आप लोग यहाँ पे ड्यू टू कोरोना वायरस यानी COVID-19 वी आर ओनली एक्सेप्टिंग प्रीपेड ऑर्डर्स। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे खेल मचाया गया है कि वो बोल रहा है कि हम सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स करेंगे, यानी आप लोगों को यदि यहाँ से प्रोडक्ट लेना है तो आप लोगों को पहले इनको पैसा पे करना पड़ेगा, जैसे कि आप यूपीआई के थ्रू करो ये करो। इससे आगे तो मैं नहीं जाऊँगा भाई क्योंकि ये एक नंबर की फेक वेबसाइट है, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये अच्छी वेबसाइट है, ये एक नंबर की फेक वेबसाइट है और यहाँ पर आप लोगों को सारे कुछ देखने को मिलेगा। बहुत सारी ऐसी लिंक्स है जो क्लिक नहीं होती, जो क्लिकेबल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को बहुत सारे मोबाइल्स के फ़ोटो लगा के अलग अलग क्रिप्टोन नाम लगा के उनके, जैसे कि आप देख सकते हो ये सैमसंग M30 है। ओके मैं इसे क्लिक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, सैमसंग M30 आप देख सकते हो, तो इसको आप लोग देख सकते हो सैमसंग M30S Note S, इसको ही सिर्फ उन्होंने क्रिप्टोन नाम लगा दिया। तो ऐसा इनका फंडा चल रहा है और ऐसे आप लोगों को लूटने का इन लोगों ने एक तरीका सोचा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बोलूँगा फंसना नहीं, लूटना नहीं, क्योंकि आपको लूटवाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग लूटने के लिए बैठे हैं। लेकिन यार उन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें कर रहे, ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि यार सोच सकते हो आप, एक 5,000 रुपये कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और ऐसे में ये लोग आराम से 5,000 कमाना चाह रहे हैं, यानी आसानी से। ऐसा कोई नहीं कि वो उनको मेहनत कर रहा है, मेहनत उन्होंने किया है वेबसाइट बनाने में, ऐसा इतना अच्छा डिज़ाइन किया है उन्होंने, सब कुछ मेहनत किया। यदि उन लोगों ने ऐसे मेहनत करके कोई अच्छी सी वेबसाइट बनाते, उससे मेहनत से पैसा कमाते तो देन मैं भी बोलता कि यार अच्छी बात है, लेकिन यार लोगों को ठग के ये करना एक गलत बात है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, यदि आप लोग सोच रहे होगे कि इस वेबसाइट के थ्रू आपको मोबाइल परचेस करना है, तो मैं आप लोगों को सीधा बोलूँगा मेरी राय है नहीं लेना है, आपको आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर से प्रोडक्ट अभी तक ऑर्डर भी कर चुके होंगे क्योंकि इतना तेज़ी से ये एडवर्टाइज हो रहा है इनका, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप जैसे ब्लॉग पे भी जाओगे वहाँ पे भी आपको इनका एड्स देखने को मिल जाएगा, यानी इतने सारे एड्स ये यहाँ पे सर्व कर रहा है, पैसे पे कर रहा है इतने सारे एड्स का, तो इतना पैसा वो कमाएगा कहाँ से, तो इन्हीं माध्यम से इन्हीं तरीके से वो पैसे कमाने वाला है। यानी आप लोग सोचोगे कि वो 5 लाख इन्वेस्ट कर रहा है तो आप लोगों से 50 लाख वो ठग लेगा, तो आप सोचो यार मत बर्बाद होना, क्योंकि
4-5 हज़ार। अभी देखो 4-5 हज़ार में आदमी सोचता है कि यार चलो ले लो यार। आप लोग जो नाप तोल रहे थे ना, आपको टीवी में एड्स दिखाई देता, अभी आप लोग वहाँ से भी परचेस करना बंद कर दिया है, क्योंकि आप लोगों को ठगा जाता है, आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, यानी आप लोगों को कोई चीप, कोई एक घटिया तरीके का प्रोडक्ट आप लोगों को दिया जाता है और बोला जाता है कि ब्रांड है ये। यहाँ पे आप लोगों को शायद कोई चीज़ भी मिल जाए लेकिन वो काम की चीज़ नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आपको यहाँ से कोई फ़ोन या कुछ भी परचेस नहीं करना है। आपका बैंकिंग डिटेल नहीं देना है, ओरिजिनल एड्रेस भी नहीं देना है, कोई जरूरत नहीं, क्यों दे हम किसी को हमारा एड्रेस। ओके तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज मैं आप लोगों को जो चीज समझाने की कोशिश की शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, किसी को पता नहीं होगा शायद शेयर कर दो, किसी की भलाई हो जाएगी वो देख लेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव नाइस डे।